के लिए फॉल में नहाने के लिए जा रहे हैं। फॉल में नहाने के लिए 4-5 किलोमीटर का ट्रैक है, ट्रैक करेंगे पैदल। पैदल ही तो जाते हैं, ट्रैक में जाते कैसे। खूब बहुत है यार, अब जाना था होली पर होली नहीं। ऊपर जाएंगे, मज़े करेंगे, थोड़ा बहुत 2 घंटे की चढ़ाई है, 3-3.5 किलोमीटर की। 30 रुपये का फेयर था वाटरफॉल का, और रूम हम लोगों ने ले लिया है। अभी ऊपर नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद रात को शाम का टाइम, शाम का प्रोग्राम ये है कि लक्ष्मण झूला, राम झूला और जो कुछ भी है उधर, वहाँ पे इवनिंग वॉक लेंगे, थोड़ा वहाँ का व्यू देखेंगे कैसा है। बस इतना ही करना है और क्या, जब तक मजे लो इसके। ये थक गए हमारे भाई, ये एंगल एंगल बना बना के फोटो ले रहे हैं हमारे भाईजान। नाइजेरियन बंदा है ये, गलती से इंडिया में आ गया है। अब तुम कहोगे यार पब्लिक तो आती है घूमने के लिए, हाँ हाँ ये ऐसे नहीं आया, ये दुनिया नाइजेरियन कलर इंडिया में लिया है इसने। हम 5 ही बस हैं, 5 लोग हैं इस जंगल में, इस जंगल बयाबान में। ये कुछ थोड़ा सा, थोड़ी सी झलक वाटरफॉल की अगर दिख रहा हो तो। अभी चलना बहुत ऊपर है, पहली बात तो ये है, थोड़ी धूप भी है इसलिए। पता है जब तुमको फील हो कि तुम मोटे वोटे या कुछ हो रहे हो तो तुम्हें भाई ट्रैकिंग करनी चाहिए, तब पता चलेगा कितना जंक फूड खाया है, कितना निकलेगा। ये लौंडे थक गए बैठे हुए, हम भी थक गए, हम भी बैठेंगे यार। हम ही है, इन्होंने पुराना टेक्निक अपना लिया है यमुनोत्री वाला कि जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ेंगे। अच्छा तुम ये बताओ यार, टेक्निक अपना क्यों क्यों अपनाया? तुम्हारे ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही करना होता है, क्योंकि तुम हधरामी आदमी। हधरामी नहीं बोलते इसको, ऐसे नहीं बोलते। सामने सर्वाइव करने के लिए कुछ तो करना होगा, ऐसे हम भाई अपना सोच रहे सर्वाइवल। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बात ये है कि तुमको ऐसा फील होता है कि हम मोटे हैं, ठीक है, तुम जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ जाओगे और हम तीन तो ज्यादा स्टेमिना है, स्टेमिना की बात में तो तेरा भाई माहिर है। सारे किसी को लग गई ना मर जाएगा, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे जंगल है, हाँ जानवरों को लग जाएगा। अभी हम लोग ट्रैक के लिए निकले हैं, 1/2 किलोमीटर चढ़ चुके हैं, ऊपर फॉल है वहाँ तक जाएंगे और वहाँ का आनंद उठाएंगे। हमारे साथ ये 4-5 लोग हैं और देख सकते हो कि रास्ता इतना मतलब स्टीप चढ़ाई है पूरी, और मेरे लौंडे फुल जोश में जाते हुए, पूरी टीम जा रही है हमारी और हम भी जा रहे हैं। कितनी ऊँची चढ़ाई है, उतरने में ज़्यादा जाएगा, चढ़ने में तो हालत ख़राब होती है। वाटरफॉल आए थे पर सीन को जैसा हुआ कि हमें लगा कि नहीं सिर्फ वाटरफॉल है, हम लोग ऊपर चढ़ते गए और बहुत मतलब ऊपर चढ़े, वाटरफॉल पीछे रह गया। ऊपर चढ़ते गए पता है क्या हुआ हमारे साथ, देखो ये गांव में पहुंच गए हम, वाटरफॉल उधर है, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी एक आंटी से पानी मांगने के लिए आए हम लोग कि आंटी थोड़ा पानी दे दीजिए, हमें प्यास लगी है। देखो वो मेरा दोस्त है और वो वहाँ गया पानी मांगने के लिए, देखो उस घर में हम लोग बिल्कुल टॉप पे आ गए, हम तो हाँ फट रही थी फिर भी, पर हमारे साथ का जो एक लड़का था वो नीचे रुक गया, वो फॉल में नहा रहा है। हम लोग 2 किलोमीटर और ऊपर चढ़े, मतलब चढ़ते वक्त तो हालत ख़राब होती है, ये बात तो लिटरली मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। बट जब पहुँच जाने के बाद ना, तब जो याद रहे तब बता नहीं सकता यार, बहुत मज़ा आया। अभी हिरन भी देखें यहाँ पे, हमें लगा जानवर वानवर होंगे, इंसान हो गए नहीं ऊपर, पर ऊपर इंसान नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम लोग नहाएंगे यहाँ पे नीचे, ये बंदा मुँह धो रहा है यहाँ पे,
नाली के पानी नाली का पानी नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, इरीगेशन के लिए रखा है जैसे नीचे कुछ खेती वेती। और एक और एक मज़े की बात, तो वहाँ पर भैंस बंधा हुआ है, बाड़ा भी है, यहाँ पे दूध भी पी सकते हो आप मान के। और हाँ एक और चीज़, यहाँ पे ऊपर आके आप स्टे भी कर सकते हैं, बिल्कुल टॉप पे आके। ये फॉल जो है, इस फॉल का नाम क्या है, फॉल का नाम क्या है, नीर वाटरफॉल में टिकट लीजिए और ऊपर सीधे चढ़ जाइए, बुकिंग मत कीजिए, ऊपर आके आप वो कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कैंप लगा के रहिए और क्या कहते हैं नहाइए, बगल में फॉल है, रात का सीन बहुत मज़ा आएगा। मैं अभी पानी ले आया, यहाँ तीन घर है, मैं से बात करके आया। और यहाँ जाने आने का रास्ता, ये रोड तो बने हैं लेकिन रोड से ये लोग जाना नहीं करते। ऊपर जहाँ से हम आए हैं ट्रैकिंग करके, इनका ये हफ्ते में एक बार, हफ्ते में दो बार इनका रोज का काम हो रहा था। मतलब बताओ, सोचो, मतलब आप लोग सोचो यार, हम लोग प्लेन में रहते तो क्या हालत खराब होती है हमारी, ये रोज ऊपर नीचे कम से कम 4 किलोमीटर इनका ये डेली का काम है। और ये बता रही कि रोड बहुत ऊँचा है, रोड से अच्छा है कि जाना आने का काम है, वहाँ फेयर भी लगता होगा। आने में सिर्फ 3 घंटे लगते हैं मेरे भाई, 3 घंटे यार। वो सब तो ठीक है, भैंस कैसे है यार, अरे यार बस हवा चल रही है, अब आनंद आ रहा है। वहाँ पे लिखा हुआ था पानी दिया भर के, पानी पिला दे यार फिर इसी बात पे। आंटी ने पानी तो अच्छा होगा यार, आंटी ने प्यार से दिया है। यहाँ पे बादल दिख रहा यार, पहाड़ी पानी, लो मजे करो। देखो ऐसे मिलता है बरी में, ऐसे बस्ते में 30 रुपए लिए थे ये बिना मोटर के पानी है, मैं लिख के कह सकता हूँ। ये देख पाया, पाइप जाता हुआ कहीं जहाँ साफ पानी है वहाँ से डायरेक्ट। हाँ ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही सीन है। मतलब ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, मोटर कहाँ से लगाएंगे। सोचो यार हम इंडियन है ठीक है, फिर भी हमें नहीं पता था कि यहाँ पे मतलब ऐसा ऊपर कैंपिंग वैम्पिंग का कुछ सिस्टम है। यहाँ पे केले का पेड़ भी है, और एक चीज़ और, यहाँ पे बैम्बू का भी पेड़ है। देखो बांस, जंगली बांस वहाँ पे भी होगा कहीं, मेरा बैम्बू एंड बनाना ट्री। और यहाँ पे घर है, ये लोग कैसे यार ऊपर नीचे करते हैं, इतनी आया है, इतनी ऊपर चढ़ाई करने के बाद फिर ऊपर जा रहे हैं, बताओ। वो भी क्या कुछ रास्ता भी नहीं है यार, रास्ता नहीं है, इसमें जा रहे हैं लोग, पानी का इसमें जा रहे हैं, क्या करें, बाजी नहीं आ रहे हैं। देखो हाइट तुम गैस कर सकते हो, इतना गैस तो नहीं कर सकते हो, बट फिर भी देख, ये नाली जो दिख रही है ये इसी से सीधे जाएंगे जहाँ तक है, उसके बाद जहाँ एंड होगा तेरा वाई रुकेगा। ऐसी जगह पे आ गए कि हमें डर लग रहा है, यहाँ पे एक भी पब्लिक वब्लिक कुछ नहीं है, बस हम चढ़ते जा रहे हैं हम लोग बिना कुछ सोचे समझे। देखो एक पुराना रॉन्ग टर्न वाला एरिया लग रहा है, देखो रॉन्ग टर्न का ब्रिज, फटाफट चलो। देखो पीछे देखो पूरा, चल का ब्रिज लौटे खड़े, तुम्हें लग रहा होगा कि सिंपल बहुत खतरनाक सीन है। क्या हुआ, चलना चलते हैं। देखो इस लौंडे का जोश, देखो दिखाओ अपना जोश, दिखाओ देखो। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब तुम वहाँ आ जाना चाहते हो, हार नहीं रहे हैं, ऐसे मैं छोड़ा कर, कंटिन्यू लगे हुए हैं चढ़ाई पे। अब मैं कैसे हिम्मत हार जाऊँ यार, जब दोस्त हाथ में और ये कंटिन्यू जा रहे, तो हमें पता ही नहीं कि कहाँ से आए थे हम लोग, और लेट हो गए तो फाइन भी मारेगा शायद वो। 3 घंटे तक था कि 3 घंटे तक आप रह सकते हैं वाटरफॉल में, उसके बाद आपको आ जाना है, पर सीन कुछ ऐसा हो रहा है 3 घंटा तो हमें चढ़ने पर ही लग गया। मतलब हम लोग अभी हार नहीं रहे हैं, मतलब कंटिन्यू जहाँ तक एंड नहीं होगा हम चलते रहेंगे। थोड़ा सा भी रास्ता दिखेगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा, चढ़ जाएंगे उसमें, पर हमें चढ़ना है अल्टीमेटली, दम निकल जाए सीधा। हाँ देखो अभी कुछ प्लान बन रहा है इधर उधर से चढ़ने का। अगर आप लोग डेप्थ को फील कर पाएँ तो फील करो, वैसे मुझे नहीं लगता कि फील कर सकते हो। दिख रहा है कुछ भाई, ये वाला चीज मिला ना, ये अपना लास्ट है, हम लास्ट वाले हैं। हाँ क्यों,
और सब मत जाओ, चलने दे ना भाई, खतरा लग रहा है यार। देखो ये लोग, ये लोगों को जान पे खेलना बहुत अच्छा लगता है। ये लौंडे जा रहे हैं ऊपर, अब बताओ बिना रास्ते का कुछ है नहीं, अगर गिरे ना सीधे नीचे जाएंगे। मैंने बात सुन ली, बैग उठा के थोड़ा देख के, पर जाना सेफ नहीं है, बट उनको समझ में आ नहीं रही है ये जा रही ज़बरदस्ती। वो जो नीचे से दिखा नहीं रहे थे ऊपर, बिल्कुल टॉप पे पहुँच गए, बहुत अच्छा खासा चढ़ गया यार। कंटिन्यू लगे हैं हम लोग, दो लड़के यहाँ पे खड़े हैं, वो अभी चढ़ा हुआ है ऊपर। ये है आनंद घूमने का, घूमो मजे करो और क्या, यही तो लाइफ है, एंजॉय। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो बस। अरे कितना ऊपर आए हम लोग, वो वहाँ है और तो देखो ये यहाँ है, और ऐसे 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 ऊपर रास्ते में कितना गंदा है, कौन सा